हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरो एक ऐसी दबंग पर्सनालिटी के बारे में जिनका बिहार पुलिस में एक अलग ही दबदबा है। और फिर चाहे बिहार का सबसे बड़ा केस क्यों ना हो, उनको ही अपॉइंट किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रेव, ऑनेस्ट, फियरलेस, यूथ आइकन, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, टॉप कॉप इन बिहार, साथ ही बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर IPS विनय तिवारी की इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग स्टोरी के बारे में, जिनकी लाइफ स्टोरी जानने के बाद शायद आप इनके फैन ही बन जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में इनकी चर्चा के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनकी एक गरीब किसान के लड़के से IPS ऑफिसर बनने तक की इंस्पायरिंग जर्नी जान लेते हैं। विनय तिवारी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ललितपुर के रहने वाले हैं। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। उनके पापा पैसे से फार्मर हैं और जहां उनके लिए घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था, वहां उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी दी। और जब दिन रात मेहनत करके भी नहीं हो पा रहा था तो कई बार कर्ज लेकर भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा उन्होंने। अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, इसलिए वो राजस्थान के कोटा चले गए और वहां उन्होंने IIT BHU में एडमिशन लिया। और वहां से उन्होंने 2012 में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। और उसके बाद उन्हें जिंदल स्टील में जॉब भी मिल चुका था, लेकिन उनको अपने देश के लिए कुछ करना था और उनके फादर उन्हें सिविल सर्विसेज में जाने के लिए प्रेरित किया करते थे। अपने पापा के स्ट्रगल को देखते हुए उन्होंने UPSC एग्जाम देने के लिए डिसाइड किया और अपनी सारी मेहनत एग्जाम देने में लगा दी और UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए वो दिल्ली आ गए। 2013 में जब उन्होंने UPSC एग्जाम में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उनको असफलता मिली थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने 2012 में दोबारा एग्जाम दिया और अब फाइनली उन्होंने अपना UPSC क्लियर किया और 193वां रैंक लाकर IPS ऑफिसर बने। 2019 में विनय तिवारी पटना सेंट्रल के SP के पद पर अपॉइंट किए गए थे। तिवारी ने हाल ही में कोरोना वायरस पर लिखी एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो वायरल हो गई है। वो अपने सोशल मीडिया साइट्स पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी शायरी शेयर करते हैं। उन्होंने बिहार के लिए कई बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, जिनसे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स भी खौफ खाते हैं। साथ ही सोर्स बता रहे हैं कि इनकी एक बुक भी है जिसका नाम मैथमेटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। इनके मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अभी सिंगल हैं। आइए अब बात करते हैं विनय तिवारी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतने चर्चे में क्यों हैं। क्योंकि सुशांत के मर्डर की जांच मुंबई पुलिस न खुद कर रही है और न किसी को करने दे रही। और जब बिहार पुलिस के IPS ऑफिसर विनय तिवारी इस केस की जांच करने मुंबई पुलिस पहुंचे तो उन्हें जबरदस्ती BMC वालों ने क्वारंटाइन कर दिया ताकि वो उन्हें जाँच से रोक पाए। आखिर किसे बचाना चाहती है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं सुशांत के मर्डर को लेकर और इसलिए बहुत जरूरी था कि CBI हैंडल करे। और कहते हैं भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। फाइनली अब सुशांत का केस CBI इन्वेस्टिगेट करने वाली है और जो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है उसकी अब खैर नहीं। जहां हमें प्राउड है ऐसे ब्रेव और ऑनेस्ट IPS ऑफिसर पर, वहीं आज पुलिस का नाम बदनाम कर चुकी है करप्ट मुंबई पुलिस। उम्मीद है वो आने वाले टाइम में ढेर सारी बुलंदियों को छुए। इसी विश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करना चाहूँगी द एंड। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहें, इसलिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।